शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की गई। वहीं आज से मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूरे 9 दिन तक पूजा की जाएगी। देश भर में 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना में लीन होकर भक्त पूरे श्रद्धा के साथ नवरात्रि मनाते हैं और मां जगदम्बे से भक्त अपने सारे कष्ट हरने की कामना करते हैं। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की गई। वहीं आज से मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूरे 9 दिन पूजा की जाएगी। देश भर में 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना में लीन होकर भक्त पूरी श्रद्धा के साथ नवरात्रि मनाते हैं और मां जगदम्बे से भक्त अपने सारे कष्ट हरने की कामना करते हैं। नवरात्र के दौरान अलग अलग दिनों में मां शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंदमाता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और नवे दिन मां सिद्धि रात्रि की पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस वर्ष मां दुर्गा का आगमन घोड़े पर और प्रस्थान भैंसे पर होना है। अब हम आपको बताते हैं सुबह से ही शारदीय नवरात्र की शुभारंभ को लेकर जिले के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। बरारी सीढ़ी घाट, SM कॉलेज घाट, सुल्तानगंज समेत कई गंगा घाटों पर श्रद्धालु दूर दूर से गंगा स्नान करने पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाकर मां गंगा और भगवान सूर्य की आराधना की। एक ओर जहां गंगा घाटों पर भक्तों का सैलाब उमड़ रहा, वहीं इसके कारण शहर में जगह जगह घंटों जाम की स्थिति बनी रही। इससे भक्तों के साथ राहगीरों एवं वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रशासन जाम से निपटने में पूरी तरह से नाकाम दिखा।